हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो भी टाइप्स है ना, मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पहले शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड से। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट वीडियोज़ है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है ये और एक नाम से प्रचलित है, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही जो है हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, जो कि होता है एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो गाइस, कभी भी इंटरव्यू होता है तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का है, तो आप कभी भी डीसी और एसी मत बताइएगा, ये जो है गलत है। ये डीसी और एसी जो है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स है। गाइस, अब बात करते हैं आखिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है आखिर ये क्या है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको जनरेट करना है तो आपको जो है किसी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर रब करेंगे तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको याद होगा कि बच्चा हम लोग क्लास में पेन को अपने सर पे लगड़ के जो छोटे छोटे कागज को सामने लाते थे तो क्या होता था, वो जो है कागज वो पेन के तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता था। तो उस टाइम हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो गाइस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक जो है एग्जाम्पल था। तो गाइस, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और भी डिफरेंट्स ऐसे जो है आप क्रिएट करवा सकते हैं। गाइस, अब सपोज कि आप जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप इंटरव्यूअर को बता दिए, वो आपसे जो है क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकता है कि क्या हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। तो गाइस, इसका जवाब है नहीं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो है कभी भी कंडक्टर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो है एसी और डीसी। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और ये दो टाइप का होता है एसी और डीसी। और आपको एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं जो है इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे मैं जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को फ्लो करवा सकते हैं। मैंने अभी जो भी बातें बताई है ये जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर क्रिएट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वालिटी कंटेंट वीडियोस हो वो आपके तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।